3000 BC में भारत का एंशिएंट नाम मेलुहा मिलता है। फिर मेलुहा नाम बदलकर भारतवर्ष कैसे हो गया? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे भरत चक्रवर्ती राजा हुए। उनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र जी को कई स्थान पर आर्यपुत्र कहा गया है। उस समय इस देश का नाम आर्यवर्त था। लेकिन भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाने लगा? संस्कृत में शब्द है स्थानम, जिसे हम हिंदी में स्थान कहते हैं। हिंदू के साथ स्थान जोड़ा गया, जिसका मतलब हिंदुस्तान नाम मिला। ग्रीक में सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस मिलता है। जब ये शब्द लैटिन लैंग्वेज में पहुंचा तो इंडस से बदलकर इंडिया हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 17 सितंबर 1949 को देश के नाम को लेकर बात शुरू हुई। लोग देश का अलग अलग नाम सुझाते रहे, लेकिन लंबे डिस्कशन के बाद फैसला हुआ कि आजाद भारत के दो नाम रखे जाएं, इंडिया और भारत।